ये कहते हैं कि मेराज जो रात है लैलतुल मेराज, इसमें कोई खुसूसी इबादत की फजीलत वगैरह साबित है? देखिए, मुख्तलिफ़ आप चैनल्स पे सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ़ अहादीस बयान की जाती रहती हैं, जिस पर आपको एतमाद हो, कोई मुस्तनद आलिम दीन बयान कर रहे हैं, बिल्कुल आप उन पर एतमाद करके उन चीज़ों को इख्तियार कर सकते हैं। क्यों आपका एतमाद उलमा पर होना चाहिए, उलमा अगर बयान कर रहे हैं तो ठीक, और अगर उलमा बयान नहीं कर रहे, वैसे पर्चे वगैरह तकसीम होते हैं तो पहले तस्दीक करवा लें किसी से कि क्या ये सही है या नहीं, इसके बाद आप उस पर अमल करें। मैं अज़ ख़ुद बहुत सी बातें बयान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें भी मारूफ़ हो जाती हैं और लोगों में आम होती हैं। अब अगर हम उनको थोड़ा समझाते हैं तो फिर दूसरे नाराज़ हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है। इसलिए मैंने ये माकूल आपको एक जवाब जो मेरे नज़दीक माकूल बनता है कि अपने करीबी अच्छे उलमा अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की तरगीब दे रहे हैं तो बस आप उन पर एतमाद करके उस चीज़ को बिल्कुल इख्तियार कर लें।